बिहार में सिंचाई की व्यवस्था बहुत जगह ऑलरेडी है, शुरुआत किया गया। दरभंगा में आज तक सिंचाई में कोई काम ही नहीं हुआ, मुझे एक प्रोजेक्ट नहीं दिखाई पड़ता है दरभंगा जिला में जो सिंचाई का एक महत्व, और सब जिला में कुछ ना कुछ कम ज़्यादा मैं देखता हूँ। ये प्रायोरिटी है इस बार कि दरभंगा जिला के हर एक खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचे। दूसरा महत्वपूर्ण काम था दरभंगा जिला में, आप जानते हैं 2007 से हम लोग देख रहे हैं, हनुमान नगर से लेकर कुशेश्वर स्थान तक पानी का जमाव रहता है फ्लड में। छः लोग मान लिया है कि 6 महीना ऐसे ही जीना, जीवन का एक पार्ट बन गया है। तो उस प्रोजेक्ट को मैंने टेकअप किया जो बागमती फेज 3B और ए जो है, जिसमें कि आपको पूरा हनुमान नगर, बहादुरपुर, हाया घाट, गौरा बोराम, आगे बढ़ते बढ़ते कुशेश्वर स्थान तक हम लोग ले गए। अब वो लंबा हो जाएगा बाइट आपके उसमें, और टेंडर हो रहा है उसका। पिछले बार के सरकार में ही मैं कैबिनेट में ले गया, कैबिनेट में पास हुआ, खुद मुख्यमंत्री जी भी हेलीकॉप्टर से पूरा सर्वेक्षण किए थे कुशेश्वर स्थान के एरिया का। मेरे लिए भी एक चैलेंज है, अगर कुशेश्वर स्थान को हम लोग बाढ़ मुक्त कर दिए तो जीवन में इससे बड़ा अचीवमेंट नहीं मिलेगा। अब उस टारगेट में रखे हुए हैं और करवा भी लेंगे, टारगेट में ही नहीं रखे हुए हैं, करवा भी लेंगे इसको। तो ये, और हनुमान नगर में भी देखा हूँ कि बाढ़ में किस स्थिति में लोग रहते हैं, तो ये एक मेजर काम मैंने टेकअप किया है। इसका जल्दी टेंडर फाइनल होगा, और एक बार मैं खुद इस पूरा अलाइनमेंट को देखने के लिए मैं आऊँगा, जो वहाँ से लेकर के कुशेश्वर स्थान तक उसमें सारा प्रोविजन किया गया है कि कैसे कमला का पानी, कैसे कोसी का पानी, कैसे पानी निकाल करके फाइनली कोसी की तरफ चला गया, जो जल जमाव वाला एरिया है वो कैसे फ्री हो जाए कुशेश्वर स्थान। तो ये एक मेजर काम है, तो मेरे ख्याल से ये एक मेजर काम हो जाता है। बाढ़ के दर्द को हम लोग ठीक कर दिए, मुझे लगता है कि इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन उस एरिया में नहीं हो सकता। लार्जली प्रॉब्लम क्योंकि सारा नदी का उद्गम जो है वो नेपाल साइड में, अब वो वहाँ पर डैम बनना है, वहाँ DPR नहीं बन रहा है, लेकिन वो देख करके हम लोग बैठे तो नहीं रह सकते। अगर कोई असेसमेंट करे कि एक फ्लड में बिहार सरकार का कितना पैसा लगता है, वो सरकार का पैसा मतलब जनता का पैसा है, कि मेरा पर्सनल नहीं ना, जनता, अगर रोड टूट गया, बिजली का पोल टूट गया, किसान का खेती बर्बाद हो गया, जो ह्यूमन लॉस है, आदमी का जान गया, उसका तो कोई हिसाब नहीं है। आपदा में जितना पैसा सरकार देती है लोगों के अकाउंट में, सारा कैलकुलेट कीजिएगा तो लगता है कि हजारों करोड़ हर एक साल सरकार का फ्लड मैनेजमेंट पे खर्चा होता है, और इतनी बुरी तरह से लोग पीड़ित रहते हैं। तो हम लोग एक तो नेपाल से भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं की बात करके रास्ता निकली, मैं सिंसियरली 1 साल से लगा हुआ, और साइड बाय साइड बिहार सरकार में भी आजकल नया टेक्नोलॉजी आ गया। पहली बार हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को यूज किया दरभंगा मधुबनी में, आपने देखा होगा कि सीट पाइल जो लगाए, स्टील सीट पाइल लगाए हैबिटेशन के साथ, अब वहाँ नहीं टूटेगा, कल जो स्टील सीट पाइल लगा है वहाँ कभी नहीं टूटेगा। तो नया टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं, उस पर हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, होपफुली कुछ रास्ता उसका निकलता। पिछली बार के फ्लड में मुझे भी लगा कि इस बार तो फिर स्लिप किया, लेकिन जल संसाधन विभाग ने बहुत ही मुस्तैदी से काम किया था पिछली बार, क्योंकि ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोरोना के टाइम में फ्लड फाइटिंग किया गया, कोई घर से नहीं निकलता था, कोई मटेरियल नहीं मिल रहा था, पूरा लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन में भी हम लोग काम करवाए, तो मॉनिटर कर रहे थे तब ना काम हुआ, और इंजीनियर लोग निकल करके प्रोटेक्ट करते रहे, बहुत जगह टूट जाता लेकिन वो लोग बचाए, और एक दो लोग गंदा काम भी करते हैं, दुष्प्रचार करके पुराना वीडियो डाल देते हैं, आप लोगों को ध्यान होगा, तो उन लोग तो इसका मतलब समाज का और बिहार का दुश्मन है जो ये सब काम करता है, जो दूसरा वीडियो चला करके, अब सोचिए इंजीनियर कहीं काम कर रहा है, उसको पता चला कि यहाँ झूठ का
वीडियो चलाया था, पकड़ा गया था, बिरौल का थाना उठाया था उसको, कहता है पॉलिटिकल आदमी, यही सब धंधा करता रहता है। ऐसे लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए जो इस तरह का अफवाह फैला करके, और इंजीनियर भाग लॉस किसका होगा, किसी का जान जाएगा उसका क्या होगा। इस समय अफवाह भी जो फैलाता है सोशल मीडिया में बैठ करके, पिछली बार मैंने अनुभव किया, चला दिया पुराना वीडियो 2017 का, हमको यहां भेज दिया, हम बोले चीफ मिनिस्टर को जल्दी भेजियो, टूट गया एज ए मिनिस्टर, मैं बता रहा हूं, हंगामा हो गया पूरा, कहीं कहीं नहीं टूटा। जो लोग धंधा किए उसके लिए क्या सजा है। अच्छा एक चीज, दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर के हम लगातार जिस समय प्रारंभ था, हमें याद है कि वहाँ के हर एक इंजीनियर आपके टच में थे, वहाँ की अलकतरा या कोई भी सामग्री होती थी तो आप, उस समय भूमि भी अधिग्रहण नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद कई समस्या धीरे धीरे आती गई कि अब वहाँ नाइट में नहीं आता था, कई जो रद्दें होती चली गई, तो अब उसके लेकर के क्या आपने बात की। इसका दो पार्ट है, दरभंगा एयरपोर्ट 2016 से इसका काम चल रहा है, मुझे आज भी याद है कि दरभंगा एयरपोर्ट जब हम लोगों ने शुरू किया था तो बहुत लोग मजाक में मुझे बोर्डिंग कार्ड भेज दिए थे कि चढ़ जाओ दरभंगा से दिल्ली चल जाओ, आपको तो मिथिला में काम करना है, तो हम बहुत लोगों को सिखाते हैं कि ये तो बन जाइए टांगा वाला घोड़ा, दोनों साइड जो ब्लिंकर लगा देता है, लेफ्ट राइट ज्यादा सुनिएगा तो काम ही नहीं कर पाइएगा। उस हिसाब से हम लोग काम किए वहां पर दरभंगा एयरपोर्ट, और आज एक सक्सेसफुल एयरपोर्ट में इमर्ज किया। ये कोई एक चुनाव या दो चुनाव की बात नहीं होती है, ये आने वाले 100 200 500 साल के जनरेशन के लिए काम होता है। और दरभंगा एयरपोर्ट कोई दरभंगा का चीज है ऐसा नहीं है, दरभंगा एयरपोर्ट पूरा उत्तर बिहार का एयरपोर्ट बन गया है, गोपालगंज के लोग भी उतर के जाते हैं वहां से, और पूर्णिया के लोग भी उतर के वहां से जाते हैं, और एक समस्या वहां है क्योंकि एयरफोर्स का एयरपोर्ट है। अब जब फंक्शनल हो गया तो उससे रिलेटेड जो इशूज है, नाइट लैंडिंग फैसिलिटी, लैंड एक्वायर करके करना, रक्षा मंत्रालय को एनओसी देना है, नहीं दे रहा है अभी तक, इंस्पेक्शन करके एनओसी देते उस, और बिहार सरकार का भी बहुत रोल है उसके सिक्योरिटी से लेकर के और चीज को लेकर के। अब उसका जो दीवाल है, चार दीवारी है, आप भी जाके देखिए, तो कोई पत्थर फेंकेगा चला जाएगा अंदर। तो मुख्यमंत्री गए जून में, तो वहां से उन्होंने बात किया हरदीप पुरी जी से कि भाई या तो आप बनवा दीजिए या बिहार सरकार को एनओसी दे दीजिए, क्योंकि एयरफोर्स का है, हम लोग पैसा दे के बनवा देंगे। जो अभी बिल्डिंग बना हुआ है तो एक ही प्लेन का आदमी उसमें आकर के बैठ सकता है, डिमांड ज्यादा है, तो नया बिल्डिंग बनने में तो 4-5 साल लगेगा, लेकिन ये टेम्पररी स्ट्रक्चर जो है उसको थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। ये सब चीज मुख्यमंत्री जी ने भी बात किया है, हम लोग भी बात समय रखते रहे हैं, खुशी इस बात की है कि ये फंक्शनल और सक्सेसफुल एयरपोर्ट इमर्ज कर गया उड़ान स्कीम में, और जो एयरपोर्ट आया, बहुत एयरपोर्ट बंद हो गया, दरभंगा एयरपोर्ट एक फंक्शनल एयरपोर्ट में नंबर वन एयरपोर्ट उड़ान स्कीम में बनता जा रहा है। और जब आप शुरू करते हैं तो डे टू डे समस्याएं आपको खुद पता चलेगा, तो हमको लगता है उसका निदान निकल जाएगा। साईं जी बहुत जल्दी, मैं अंतिम एक सवाल था, एम्स जिस तरह एयरपोर्ट था उस तरह एम्स एक बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि भूमि अधिग्रहण भी नहीं हुआ, कार्ड यूज भी नहीं हुआ, सुपर हॉस्पिटल बन के तैयार है, लेकिन अभी उसमें भी किसी मरीज का या वहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं आ पाया। नहीं, एम्स ये भी 2016 के बजट में आ गया था, और आपके जानकारी के लिए उस समय के जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है जब बिहार को उन्होंने दूसरा एम्स दिया, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा देन है, उन्होंने बिहार को तय किया कि दूसरा एम्स देना है। अब दूसरा एम्स बनेगा कहाँ, ये तय बिहार सरकार को करना है, 16 से बता रहा हूं मैं आपको, जबकि यहां महागठबंधन की सरकार थी उस समय, और उस समय ही नीतीश जी को लगा कि पटना के बाद अगर दूसरा एम्स कहीं बन सकता है तो वो दरभंगा है, क्योंकि पटना मेडिकल कॉलेज के बाद सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज दरभंगा है। और बिहार सरकार ने तय किया, बहुत जगह से प्रोटेस्ट भी हुआ, आपको ध्यान हो तो, यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए,
स्वास्थ्य विभाग का टीम भी गया, वो भी रिपोर्ट दे दिया कि दरभंगा में नहीं बने, जल जमाव ज्यादा है। लेकिन इस सब के बावजूद क्योंकि बिहार सरकार एकदम ये रही कि नहीं, से लेकर के और भी सारा चीज, अब तो दरभंगा को मिल चुका, अब तो इसको पुश करके जल्दी इम्प्लीमेंट हो, उसमें सबको सहयोग करना चाहिए। तो हम बताएं अभी जल्दी में है, लेकिन हम बता दें दरभंगा के मंत्री के रूप में संजय झा, लोग कहते हैं कि दरभंगा का अगर विकास हुआ कई मायनों में तो संजय झा का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन राजनीति जिस तरह दरभंगा में गरमाई है, श्रेय लेने की जो प्रक्रिया है उससे संजय झा निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो खुल करके काम करना चाहिए था जैसे उन्होंने एयरपोर्ट में किया, उसमें थोड़ी सी कमी अवश्य आई है, जिससे जनता आशा के साथ देख रही है कि अब दरभंगा का विकास होगा। धन्यवाद।